मंगली पुरवा स्थित श्री दयाल सिंह मेमोरियल स्कूल में अस्तित्व फाउंडेशन की ओर से 1 जून से चलाए जा रहे 15 दिवसीय समर कैंप का समापन गुरुवार को पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। 15 दिवस में बच्चों के द्वारा सीखी गई विभिन्न विधाओं की आयोजित प्रतियोगिता में विजेता बच्चों को मुख्य अतिथि सुख सागर मिश्र मधुर, विशिष्ट अतिथि समाज सेविका लीला पाठक, भाजपा महिला जिलाध्यक्ष अलका गुप्ता, अस्तित्व फाउंडेशन की प्रबंधक व असिस्टेंट प्रोफेसर एनिमेशन स्ट्रीम फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट एमईटी यूनिवर्सिटी डॉक्टर प्रिया गुप्ता व ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष एवं दयाल सिंह मेमोरियल स्कूल के प्रबंधक अखिलेश सिंह समाज सेवी व शिक्षक अभिषेक गुप्त ने संयुक्त रूप से किया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष श्री मधुर ने अस्तित्व फाउंडेशन द्वारा समय समय पर किए जा रहे सामाजिक कार्यों के लिए सराहना की। समाज सेविका लीला पाठक ने कहा कि जन्म से ही महिलाएं तथा बालिकाएं स्वावलंबी बने और महिला जिला अध्यक्ष भाजपा अलका गुप्ता ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन में उनका हर संभव सहयोग संस्था को मिलता रहेगा। श्री दयाल सिंह मेमोरियल स्कूल के प्रबंधक अखिलेश सिंह ने मौजूद सभी अतिथियों, अभिभावकों, बच्चों से अपील की कि यदि वे वास्तव में सांस्कृतिक श्री दयाल सिंह मेमोरियल स्कूल के प्रबंधक अखिलेश सिंह ने मौजूद सभी अतिथियों, अभिभावकों व बच्चों से अपील की कि यदि वे वास्तव में संस्कारित बनना चाहते हैं तो वे प्रतिदिन श्री रामचरितमानस जरूर पढ़े। उन्होंने अपील की है कि अब हर घर में छोटे बच्चों को श्री रामचरितमानस पाठ पढ़ाना जरूर सिखाया जाए, पढ़ने के लिए बच्चों को प्रेरित किया जाए और साथ में बैठाकर पढ़ाया जाए। इस मौके पर पुरस्कार प्राप्त करने वालों में शीतल चांदनी, प्रांजलि शिवांगी, सानवी अनुराधा, सानिया गुप्ता, रूपाली हर्षिता, महेंद्र प्रताप सिंह सैनी कनौजिया, बड़ी संख्या में बच्चे मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन समाज सेवी आनंद गुप्ता ने किया। अस्तित्व फाउंडेशन के अध्यक्ष ऋचा गुप्ता ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। परिसर से एक एक मंच देखिए, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती रहे। मैं इन्हीं आशा के साथ इन सभी का पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पे हमारे उपस्थित पत्रकार बंधु जिन्होंने अपना भव्य समय दिए, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, इतनी बड़ी भीड़ है अस्तित्व फाउंडेशन की, एक जो है जिम्मेदारी जो निभा रहा है अस्तित्व फाउंडेशन, उसके लिए मैं ऋचा जी के साथ उनकी पूरी टीम की बहुत हृदय से सराहना करता हूँ। इसके अलावा एक जिम्मेदारी मैं देना चाहूँगा, मैं अभी थोड़ी दिन पहले भी मैंने इस बात को रखा था और आज भी रख रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोग चाहेंगे तो वो जिम्मेदारी और अच्छी निभाई जा सके। मैंने बात रखी थी अभी परसों रखो, अभी कार्यक्रम था 11 को शायद था, 11 को मैंने बात रखी थी। देखिए देखने में आता है बच्चे साथ सुने, देखने में आता है कहीं भी श्री रामचरितमानस का जो पाठ होता है घरों में, ज़्यादातर घरों में पंडित किराए पर आ जाते हैं, वो पाठ करते हैं और आयोजक जो होता है कार्यक्रम का वो बैठ के गप्पे मारता है। ज्यादातर मैंने देखा है कि मुझे श्री रामचरितमानस बहुत प्रिय है, अगर कहीं मैं जा रहा होता रास्ते में और कहीं हमारे कानों में आवाज पड़ जाती तो मैं आज अस्तित्व फाउंडेशन के द्वारा जो 15 दिवसीय समर वेकेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसमें बच्चों ने मेहंदी प्रतियोगिता में और ढोलक प्रतियोगिता में और ब्यूटिशियन में अन्य क्षेत्रों में भी सहभागिता की। बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, मैंने उसको देखा, बहुत सराहनीय था कि इस क्षेत्र में ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए जिससे कि बच्चों की प्रतिभाएँ निकल के और निखर के आती हैं। अस्तित्व फाउंडेशन बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत बधाई। अस्तित्व फाउंडेशन के बैनर तले यहाँ पर 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक समर कैंप यहाँ पर लगाया गया है, वो भी निःशुल्क लगाया गया है, और उसकी प्रबंधक और अध्यक्ष जी को मैं इस बात की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बच्चों को निःशुल्क रूप से यहाँ पर शिक्षित करने का काम किया। आज ये बच्चे जमात में जा कर के इस संस्था के साथ साथ अपने परिवार का भी नाम रोशन करेंगे और साथ ही
इस संस्था को मैं बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूँ, इन्होंने यहाँ पर जो अपने महिलाओं को और बच्चों को जोड़ने का काम किया इसलिए भी बधाई के पात्र हैं। मेरे योग्य जो भी कोई सेवा होगी इस संस्था को देने का काम करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।